तो वी हैव अ क्वेश्चन, इज टीथ व्हाइटनिंग प्रोसीजर परमिसेबल, यानी दांतों की सफेदी के लिए मुख्तलिफ जो डेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं या होम केयर में डेंटल किट्स मिलती हैं, क्या उनको इस्तेमाल करना जायज है? आंसर इज येस, टीथ व्हाइटनिंग इज परमिसेबल, ये बिल्कुल जायज है। इसकी हम थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि इसके ऊपर स्टामिक और डेंटल रूटिंग्स क्या है। बेसिकली जैसे कि हमें पता है कि इस्लाम के अंदर जो डेंटल हाइजीन है उसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के टाइम पे जब वजू करते थे तो वो मिसवाक ज़रूर यूज़ करते थे। तो जनरली हमें पता है कि इस्लाम के अंदर दांतों की सफाई और जो डेंटल हाइजीन है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने के लिए कहा गया है। दांत जो होते हैं हमारे, वो नेचुरली हर पर्सन के एक उसका वाइटिश कलर होता है, प्योर वाइट नहीं होते लेकिन एक वाइटिश कलर होता है। ये जैसे जैसे एज के साथ साथ कुछ बैड हैबिट्स होती हैं या अगर दांतों की सफाई का ख्याल ना रखा जाए, पुअर डेंटल हाइजीन होती है, उसके साथ दांतों के ऊपर स्टेन्स या उनका कलर डल होके येलोइश या कुछ ब्राउनिश स्पॉट्स आने लग जाते हैं। इसके अंदर एक्सेसिव यूज ऑफ कैफीन भी आ जाता है, स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको भी मसला होता है, पान छालिया जो लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ये तमाम चीजें दांतों का कलर चेंज कर देती हैं, उनको ब्राउनिश या ब्लैकिश कर देती हैं, या उनके ऊपर स्टेन्स या येलो कलर की कोटिंग हो जाती है। सो ये क्योंकि ऑब्वियसली दांतों की हाइजीन से रिलेटेड है, और एक फिक्सिंग फॉल्ट वाली चीज भी आ जाती है क्योंकि नेचुरली दांत साफ सुथरे होते हैं, बट अगर उसके ऊपर स्टेन्स आ गए हैं तो ऑफ कोर्स फिक्सिंग फॉल्ट हमारे लिए दीन में परमिसेबल है। ये क्योंकि वाइटनिंग जो उसका इफेक्ट होगा वो लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा, ऑब्वियसली अगर जो भी इंसान इसको करा रहा है अगर वो कैफीन या स्मोकिंग, चाय, कॉफी, इस किस्म की चीजें, छालिया, पान नहीं छोड़ेंगे तो ये अगर वो कराते भी हैं तो ऑफ कोर्स वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। सो ये चेंजिंग क्रिएशन के अंदर नहीं आएगा, इस हिसाब से ये अलहमदुलिल्लाह इस्लाम में परमिसेबल है, इसके ऊपर कोई टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं।